अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आर्य ग्राफिक्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो वो है हम किसी भी मॉकअप को किस तरह एडिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आपके सामने एक मॉकअप है जिसमें ये बच्चा झूले पे बैठा हुआ है। तो हमें जहाँ पे जो इसकी टी शर्ट पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें इसकी जगह अपना लोगो लगाना है, अपने लोगो की एडवर्टाइजिंग करनी है फॉर एग्जांपल। तो किस तरह एडिट होगा आइए देखते हैं। आप कोई भी मॉकअप उठा लें, उसमें कोई ना कोई एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फ़ाइल होती है जो कि एडिटेबल होती है। फॉर आप उसको ढूंढेंगे किस तरह, आप हर लेयर को हाइड करके देखें यहाँ पे, लेकिन देख सकते हैं कि अगर वो कंटेंट हाइड हो रहा है तो आप समझ जाए कि वही आपकी लेयर है। देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको हाइड करा तो ये जो हमारी टी शर्ट पे कंटेंट था वो हाइड हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यार इसी लेयर में कुछ ना कुछ एडिट होगा, तब जाके हमारा लोगो अपेयर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फ़ाइल है, यहाँ पे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट टाइप लेयर के ऊपर बना होगा। हमें सिंपली करना क्या है, इसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू फाइल में एक ओपन हो जाएगी। वहाँ पे इसका जो इस बॉय की टी शर्ट पे कंटेंट है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सिंपली अपना लोगो लगाना है ताकि हम इसकी एडवर्टाइजिंग कर सकें। तो आप अपना लोगो किस तरह लगाएंगे, सिंपली अगर आपके पास इलस्ट्रेटर फाइल है तो इलस्ट्रेटर में जाके आप अपना लोगो वहाँ से उठा के सिंपली फ़ोटोशॉप में ला के ड्रैग कर दें, ये आपका पेयर हो जाएगा। और राइट, आपने सिंपली करना क्या है, सिंपली इसको नीचे वाले लेयर को हाइड कर दें ताकि वो गायब हो जाए। कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है, इसके ज़रिए आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इंटर। ठीक है, अब जब आप इसको सेट कर लें तो आपने करना क्या, आप सिंपली कंट्रोल एस दबा दें ताकि यहाँ से सेव हो जाए और वहाँ पे आपका पेयर हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा लोगो जो है इस टी शर्ट पर अपेयर हो गया है। तो मेरे ध्यान में एक और सवाल आ रहा था, यार अगर मुझे इस बच्चे की शर्ट का कलर चेंज करना है, अब देख कई बार कॉन्ट्रास्ट के ज़रिए हमें कुछ काम लेना होता है, तो किस तरह करेंगे लेकिन इस मौक़े में हमें यहाँ पे कलर्स गिवन है। आप देख सकते हैं कि हम जो भी कलर का पैनल ओपन करेंगे तो बच्चे की शर्ट का कलर चेंज होता रहेगा। ऐसी बात है, हर मौकअप में तो नहीं होता, और हम खुद भी कर सकते हैं ये कलर चेंज, वो मैं आपको किसी अगली क्लास में बताऊंगा। और अच्छा, एक और सवाल कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई मसला है, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं लोग, तो वो कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस किस टॉपिक में मसला है, तो मैं उसी से रिलेटेड अपनी वीडियोज़ लाता रहूँगा। और यहाँ पे मैं ऊपर एक आप प्रीवियस भी इसी बारे में इसी कंटेंट से रिलेटेड मैं और भी वीडियो लाया हूँ, अगर आपको आपने अभी तक नहीं देखी तो यहाँ पे आपके ऊपर टॉप राइट में एक लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब मुझे इस बच्चे की शर्ट का कलर ब्लैक चाहिए, तो मैं सिंपली करूँगा यहाँ पर हमारे पास ब्लैक कलर का पैनल ओपन होगा, यहाँ पर इसको मैं ओपन कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि यार इस जो हमारा लोगो था वो उसके ऊपर उठ के नहीं आ रहा, वो दब गया है। तो अब हमें क्या करना है, हम देख सकते हैं कि मोनो प्ले जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो उसका कम कलर अगर वाइट कर दें तो ये बहुत अच्छा कलर दे सकता है हमें। तो हम मेरे पास में वाइट कलर में भी है, तो मैं इसको सिंपली इसके ऊपर ला के ड्रैग कर दूंगा। ये हमारी इसकी फ़ाइल थी, इसके ऊपर हम सिंपली नीचे वाले लेयर को हाइड कर देंगे। इस लेयर को हम दोबारा ट्रांसफॉर्म करके छोटा करके रिसाइज कर देंगे, इंटर। हम कंट्रोल एस करेंगे, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत तरीके से ये एकदम उठ के आ गया हमारी बच्चे की शर्ट पे। तो इस तरह हम किसी भी मॉकअप को एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मॉकअप पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में अपनी ईमेल दे सकते हैं, मैं जितने लोगों को पॉसिबल हुआ मैं ये मॉकअप उन्हें ईमेल कर दूँगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि यार मैंने किस वेबसाइट से डाउनलोड किया था। तो मैं जिन लोगों मुझसे हो सकता है मैं उनको ईमेल तो कर सकता हूँ, तो आप एटलीस्ट कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस दे दें ताकि मैं आपको एक मॉकअप ईमेल कर दूँ। और लाइट, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
थैंक यू वेरी मच।